फैशन तो बिल्कुल ही योद्धा के योद्धा आप, आपका जन्म भारत में होना ही गौरव की बात है। आपने वो किया है अपने आप को न्योछावर करके। आप तो केवल जिंदा दिल है, आपके शरीर में कितने घाव कितनी गोलियां, इनका मूल्यांकन करना मुश्किल है। आपको तो मैं नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूं। आपके सम्मान के लिए दो लाइनें कि लिख रहा हूं मैं अंजाम जिसका कल आगाज आएगा, मेरे लहू का हर एक कतरा इंकलाब लाएगा। मैं रहूं या ना रहूं पर ये वादा है तुमसे मेरा कि मेरे बाद वतन पर मरने वालों का सैलाब लाएगा। जरूर निकलती होगी। एक शाम चिरागों में सजा रखी है, छत लोगों ने हवाओं में लगा रखी है। अंजाम की भी हम परवाह नहीं करते, चार हमने भी हथेली में लगा रखी है। कांग्रेस गांधी के माता पिता, मेरे माता पिता मेरे लिए भगवान के रूप हैं और नूतन परिवार जहां से संजय जी ने, हमारी बहन ने, हमारे बड़े भाई जी ने यहां से शिक्षा लेकर के पूरे भारतवर्ष के अंदर शाहपुरा का और स्कूल का अपने माता पिता जी का नाम ऊंचा किया। हमें पूरी शाहपुरा की धरती के अपने भाइयों बहनों के आभारी है कि जिन्होंने कहा अरुणाचल, कहा दिल्ली, पूरे देश के कोने कोने में पूरे परिवार ने किसी ना किसी रूप पे आज भी मातृभूमि की सेवा कर रहे हैं। यहां एसडीएम साहब, मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, प्रिंसिपल और हमारे साथ आए हुए गगन जी, प्राग जी और उस अरुणाचल की धरती के वो बाजाबाद इंस्पेक्टर जो भी आपके अंदर, जो संजय जी ने मौत का कफन बांध करके बहादुरी के काम किए, आपको एक्सप्लेन किया। मेरे बच्चों, आज संजय सैन जी का क्यों उनको सम्मानित किया जा रहा है, ये आपने उनसे कुछ सीखना है। हमें अपने अंदर कैसा जज्बा लाना, हम शिक्षा लेते पर शिक्षा का मकसद क्या होना चाहिए, जो संजय सैन जी का, उनके परिवार का, आपने उनके माता पिता जी का आशीर्वाद है, उनके फौज में जाएंगे, पुलिस में जाएंगे, कल्पना चावला की तरह साइंटिस्ट बनेंगे, संजय सैन जी की तरह एक बहादुर पुलिस ऑफिसर बनेंगे, या हिंदुस्तान के हमें अभी से संकल्प लेना। मैं भी एक आग की तरह एक छोटा सा बच्चा था। अमृतसर के अंदर हरिमंदर साहब के सामने एक तरफ जलियां वाला बाग, एक तरफ हरिमंदर साहिब, जहां कभी आतंकवादियों ने हरिमंदर साहब के अंदर गोला बारूद लेकर के कब्जा कर लिया, अपमान किया उस हरिमंदर साहब की पवित्र नगरी का और पूरा ऐलान कर दिया कि पंजाब हिंदुस्तान से अलग होगा, पंजाब में खालिस्तान बनेगा, पंजाब हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं रहेगा। हमने उस वक्त मौत का कफन बांध करके ये कहा था, प्रथम राष्ट्र है राष्ट्र बनेगा, न कभी बनने देंगे, बनेगा तो कभी हमें हमारे
आप सबको देना चाहिए। हमने संजय गांधी की तरह अपने सिर पर मौत का कफन बांधा था और मौत का कफन बांधते हुए हमने शहीदी आजम भगत सिंह जी को याद करते हुए कहा था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है और मौत का कफन बांधते हुए। और हम आपकी तरह के बच्चे एक छोटे से स्कूटर और कभी साइकिल पर निकला करते थे, जहां दीवारों के ऊपर देश को तोड़ने के नारे लिखे होते थे और एक मेरे दोस्त के हाथ में होता था काले रंग का डब्बा, एक व्हाइट रंग का डब्बा, उन नारों को मिटा के लगा करते थे, भारत मां के चार सिपाही, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, भारत एक धर्म एक, प्रथम राष्ट्र है प्रथम राष्ट्र रहेगा, और वो नारे लगाते हुए लिखते हुए कई बार झूठे हो जाते और लोग खाते थे, हमारे नौजवान दोस्त गोलियां खाते थे। आपको फक्र होना चाहिए, एक बहादुर वो नौजवान जो आगे जाके राष्ट्र की बड़ी सेवा करेंगे, संजय सैन जी जिन्होंने अरुणाचल में रहते हुए बहुत बड़े हथियारों का जखीरा पकड़ा, अगर वो हथियार ना पकड़े जाते कितनी बहनों के सुहाग गुजरते, कितने बच्चे यतीम होते, कितनी खून की नदियां बहती, उन्होंने मौत का कफन बांध करके वह हथियारों का जखीरा पकड़ा कि हमारे नौजवान हमारे बच्चे बड़े होकर के फौज में ना जा सके, मातृभूमि की सेवाओं की रक्षा न कर सके, उस नार्को टेररिज्म को पकड़ने के लिए भी संजय सैन जी ने मौत का कफन बांध करके नार्को टेररिज्म को समाप्त करते हुए काम किया। कोरोना काल के अंदर सब दरवाजे पे मौत खड़ी थी, दुनिया के हर कोने में कोई नहीं पता था, किसी को मिलना मुश्किल था, वो बहादुरी दिखाते हुए हजारों लोगों को बचाया, हजारों बच्चों को बचाया, मानवता की रक्षा की, इसको कहते हैं बहादुरी, इसको कहते हैं माता पिता के संस्कार, इसको कहते हैं स्कूल के संस्कार, जिसको लेते हुए इन्होंने मानवता की रक्षा की। हमें बड़े होके कैसे क्रांतिकारी बनना है, हमें बड़े होके कैसे संजय सैन जी की तरह ऑफिसर बनना है, हमारे मन के अंदर एक ही जज्बा होना चाहिए, प्रथम राष्ट्र और मातृभूमि के चरणों में तुम्हारे लिए सेवा हाजिर है। जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं आज के दिन आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने कैसे जाबाज जिंदा शहीद जिन्होंने अरुणाचल के अंदर मौत का कफन बांध करके कई लड़ाइयां लड़ी और आगे बड़ी जंग लड़ेंगे, इस मातृभूमि का पुत्र परिवार का अपने माता पिता का नाम हमेशा ऊंचा करते रहेंगे और मैं भगवान से हमेशा ही प्रार्थना करता हूं, ऐसे माता पिता सबको, ऐसे माता पिता जो संस्कार देते हैं अपने बच्चों को, क्योंकि जिस देश के अंदर हम अपनी संस्कृति अपने संस्कारों को भूल जाते हैं वो देश हमेशा आगे नहीं बढ़ पाता, पर ऐसे माता पिता हम सबको और आप ऐसे माता पिता का आशीर्वाद लेते रहे और आंख बंद करके माता रानी हनुमान जी को याद करते हुए मन के अंदर एक जज्बा पैदा करें कि हम जब भी बड़े होंगे इस परिवार की तरह कोई आईपीएस बनेगा, कोई आईएएस बनेगा, कोई इंडियन फॉरेन सर्विस में जाएगा और इस मातृभूमि की किसी ना किसी रूप में सेवा करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बच्चों आपका शुक्रिया अदा करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आज से आपने अंदर एक जज्बा जरूर पैदा करेंगे कि बड़े होकर के किसी ना किसी रूप में हम मातृभूमि की सेवा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ शुक्रिया अदा करते हुए आज मैं अपनी तरफ से जिंदा शहीद वो बहादुर के बहादुर सपूत इच्छापुरा मातृभूमि के मैं जरूर चाहूंगा एक बहादुरी पुरस्कार अपने हाथों से दूं। इन्हीं शब्दों के आपका शुक्रिया अदा करता हूं। वंदे मातरम, जय हिंद।
बढ़ा दो। धन्यवाद माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम।